फास्टैग इस्तेमाल हुआ अनिवार्य, जाने इसके बारे में सब कुछ। नवनीत दुबे, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2019 से तमाम वाहन, चाहे वे प्राइवेट हों या कमर्शियल, सबके लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। इकोनॉमिक टाइम्स अपनी रिपोर्ट में पहले ही यह बात बता चुका है कि बिना फास्टैग वाले वाहनों को हर टोल पर दोगुना टोल टैक्स लगेगा। इसलिए अगर आपके वाहन के पास फास्टैग नहीं है तो जल्द ही इसे ले लें और परेशानियों से मुक्ति पाएं। एक, क्या है फास्टैग? फास्टैग टोल टैक्स कलेक्शन के लिए प्रीपेड रिचार्जेबल टैक्स है, जिससे टोल टैक्स ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। ये सामान्यतया आपके वाहन के विंडो स्क्रीन पर चिपका होता है। अगर आपके वाहन में फास्टैग है तो टोल पर टैक्स देने के लिए आपको अपने वाहन को रोकने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगी, आपके वाहन के विंडो स्क्रीन पर चिपके फास्टैग से लिंक बैंक अकाउंट प्रीपेड वॉलेट से टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा। एक्टिवेटेड फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके अलावा फास्टैग में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और जब तक ये खराब नहीं होते तब तक यह टोल प्लाजा पर रिडेबल होता है। दो, फास्टैग कैसे खरीदें और किस प्रकार एक्टिवेट करें? फास्टैग 22 सर्टिफाइड बैंकों द्वारा विभिन्न चैनलों जैसे नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पॉइंट ऑफ सेल POS के जरिए और चुनिंदा बैंकों की शाखाओं द्वारा जारी किया जाता है। फास्टैग Amazon जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। पढ़े, नहीं लगवाया फास्टैग तो 1 दिसंबर से देना होगा दोगुना टोल टैक्स। इस तरह कर सकते हैं एक्टिवेट। सेल्फ एक्टिवेशन। फास्टैग बैंक न्यूट्रल होते हैं, जिसका मतलब यह है कि इसे आप जहां से खरीदते हैं वे इसे एक्टिवेट करके नहीं बेचते हैं। ऑनलाइन फास्टैग DIY डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, जहां आप माय फास्टैग मोबाइल ऐप में व्हीकल डिटेल डालकर इसे सेल्फ एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर्स एप्पल स्टोर से माई फास्टैग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने फास्टैग को माई फास्टैग मोबाइल ऐप के जरिए अपने किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। माई फास्टैग मोबाइल ऐप पर NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रीपेड वॉलेट की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां आप मनी लोड कर सकते हैं, जिससे टोल पर टैक्स सीधे आपके बैंक अकाउंट से न कटकर वॉलेट से कटेगा। सर्टिफाइड बैंक ब्रांच जाकर एक्टिवेट कराना। आप अपने नजदीकी सर्टिफाइड बैंक ब्रांच जाकर भी फास्टैग खरीद सकते हैं और उसे मौजूदा बैंक अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। फास्टैग बेचने वाले सर्टिफाइड बैंकों की सूची। एक्टिवेशन के वक्त बैंक की KYC नो योर कस्टमर पॉलिसी के तहत आपको KYC डॉक्यूमेंट्स जमा कराना होगा। KYC डॉक्यूमेंटेशन के अलावा बैंक को फास्टैग के एप्लीकेशन के साथ साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC भी देना होगा। 3, फास्टैग के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है? फास्टैग को सर्टिफाइड बैंक जारी करते हैं और इसकी अधिकतम कीमत ₹100 हो सकती है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI फिक्स करता है। हालांकि टैग जारी करने की वास्तविक कीमत को बैंक परिभाषित करता है और अलग अलग बैंकों में इसकी कीमत अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए HDFC बैंक किसी कार के लिए फास्टैग इस तरीके से ₹400 में बेच रहा है। टैग इंश्योरेंस फीस ₹100, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹200, वॉलेट क्रिएट करते वक्त फर्स्ट रिचार्ज ₹100। ICICI बैंक किसी कार के लिए फास्टैग इस तरीके से ₹499.12 में बेच रहा है। टैग इश्यूएंस फीस ₹99.12, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹200, वॉलेट में रिचार्ज अमाउंट ₹100। टॉप अप चार्ज अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग हो सकता है और अंतर को विभिन्न बैंकों की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मुंबई की डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन फर्म 1BASKAL Y के अभिजीत सहगल का कहना है कि अगर आप फास्टैग ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसकी कीमत अलग हो सकती है, क्योंकि सेलर इसकी कीमत में डिलीवरी कॉस्ट भी जोड़ता है। उन्होंने कहा, Amazon का 20% कमीशन में इसकी लागत में जोड़ा जाता है, इसलिए यह सामान्य कीमत से काफी महंगा हो जाता है। 4, फास्टैग को कैसे करें रिचार्ज? अगर फास्टैग पहले से ही आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो प्रीपेड वॉलेट में अलग से पैसे डालने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके फास्टैग से लिंक्ड बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए ताकि टोल टैक्स का पैसा कट सके। हालांकि अगर आपने फास्टैग को प्रीपेड वॉलेट से लिंक किया है तो इसे विभिन्न चैनलों जैसे चेक या UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, नेट बैंकिंग के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा प्रीपेड वॉलेट में रकम रखने की ऊपरी सीमा तय की गई है।
नियमों के अनुसार इस सीमा के बारे में नीचे बताया जा रहा है। लिमिटेड KYC फास्टैग अकाउंट होल्डर, इस तरह के फास्टैग के फास्टैग प्रीपेड वॉलेट में 20,000 रुपए से अधिक नहीं रखा जा सकता। महीने में इसमें आप 20,000 रुपए से अधिक लोड भी नहीं कर सकते। फुल KYC फास्टैग अकाउंट होल्डर, इस तरह के फास्टैग अकाउंट के फास्टैग प्रीपेड वॉलेट में 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं रखा जा सकता। इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL की वेबसाइट के मुताबिक इस अकाउंट में हर माह रकम लोड करने की ऊपरी सीमा तय नहीं है। इन बातों का रखें ख्याल, आप एक वाहन के लिए एक से अधिक फास्टैग नहीं रख सकते। आपको अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग फास्टैग रखना होगा। IHMCL की वेबसाइट के मुताबिक अगर आप टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आप फास्टैग के जरिए भुगतान किए जाने वाले टोल टैक्स में छूट की सुविधा उठा सकते हैं। ऐसे मामले में आपको बैंक तथा नजदीकी POS लोकेशन में रेजिडेंस प्रूफ जमा कराना होगा ताकि यह वैलिडेट हो सके कि आप टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। एड्रेस वेरीफाई हो जाने पर आप टोल प्लाजा पर अपने वाहन को मिलने वाले फास्टैग के जरिए छूट का फायदा उठा सकते हैं।